हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वेज रसोई माधुरी पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली के स्टफ पराठे। बहुत टेस्टी और हेल्दी हैं सबके लिए। चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ की ब्रोकली ली है, 1 कप फूल गोभी है, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ मैंने ब्रोकली और फूल गोभी को पीस लिया है। इस तरीके से देखिए ऐसे ग्राइंड हो जाना है, बहुत पेस्ट नहीं बनाना है हमें। मसालों के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मिक्स हर्ब्स और 2 चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। 2 चम्मच तेल में मैंने इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जो हमने ब्रोकली का पेस्ट बनाया था, वो जो ग्राइंड किया था। इसको मैंने नमक लगा के, जो ग्राइंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल के 1 चम्मच 2 मिनट के लिए रख के इससे पानी निकाल दिया था निचोड़ के। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। इससे लेकिन पराठे गीले नहीं होते अगर आप नमक से पानी निकाल लें उसका गोभी का। मैंने आटा यहाँ पर पराठे का पहले से लगाया था जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं। अब इसमें मैंने 2 चम्मच स्टफ़ मसाला जो हमने बनाया वो भर रही हूँ। आप चीज़ ऑप्शनल है, बच्चे के लिए बनाना है, बच्चे पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो प्लेन ही आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ बच्चों के लिए बना रही थी, मैंने इसमें चीज़ ऐड किया है। पराठा बहुत पतला भी नहीं बनाना है हमें और बहुत मोटा भी नहीं बनाना है, मीडियम ही आप रखिएगा। अब मैंने पहले से तवा गर्म करके रखा था और इससे पराठा हम सेकेंगे। यहाँ आप तेल या घी कुछ भी ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसको हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ। लीजिए गर्मा गर्म ब्रोकली पराठा हरी चटनी के साथ।